हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, वाईफाई स्टडी आपके लिए एक बार फिर से टेस्ट सीरीज धमाका लेके आ रहा है 30, 31 मई और 1 जून को। लास्ट टाइम जब हम लोग टेस्ट सीरीज धमाका लेके आए थे तो काफी सारे यूजर्स को ये प्रॉब्लम थी कि कैसे टेस्ट सीरीज परचेज करें, कैसे इसका पेमेंट करें, कैसे टेस्ट सीरीज परचेज करने के बाद यूज करें। तो ये वीडियो बनाने का जो पर्पज है वो यही है कि आपको आने वाले 3 दिनों में कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े और इजीली आप अपनी टेस्ट सीरीज परचेज कर पाओ, यूज कर पाओ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज परचेज करने के लिए जो हमारे वाईफाई स्टडी यूजर हैं उनके पास ऑलरेडी ऐप होगा, लेकिन जो नए यूजर यहाँ पे देख रहे हैं उनको प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे जाके वाईफाई स्टडी ऐप अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करना है। ठीक है, जैसे आप ऐप डाउनलोड कर लोगे उसके बाद जो नेक्स्ट काम क्या करना है वो करना है साइनअप। साइनअप के लिए यहाँ पे इमेज दिख रही होगी, उसमें 2 ऑप्शन है, गूगल प्लस और ईमेल आईडी और फोन नंबर। ठीक है, साइनअप हो गया, उसके बाद क्या करना है आपको, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। वो जो होगी आपकी ग्रुप सिलेक्शन। ग्रुप सिलेक्शन के लिए क्या है कि जो भी टेस्ट सीरीज आप परचेज करना चाह रहे हो, रेलवे की करना चाह रहे हो, एसएससी की करना चाह रहे हो, बैंकिंग की करना चाह रहे हो या किसी पुलिस एग्जाम की करना चाह रहे हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसा आप यहाँ इमेज में देख पा रहे होगे मेरी उंगली की तरफ, यहाँ पे रेलवे ग्रुप सेलेक्ट किया है। ठीक है, इस तरह से आप अपना जो भी आपकी टेस्ट सीरीज लेना चाह रहे हो उसका ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसे ग्रुप सेलेक्ट किया आपको नेक्स्ट जाना पड़ेगा ओटीएस ऑप्शन पे। ठीक है, इमेज में देख पाओगे ओटीएस ऑप्शन क्या है, नीचे ऐप में नीचे की तरफ जो एड्रेस बार होती है वहां पे ओटीएस ऑप्शन है, सबसे पहले होम, दूसरा ओटीएस, फिर प्रिपरेशन। ओटीएस पे जैसे ही क्लिक करोगे, जैसे ही आपने ओटीएस पे क्लिक किया वहां पे आपको सारी टेस्ट सीरीज की लिस्टिंग यहाँ पे दिख जाएगी और सबसे टॉप में दिखेगी कॉम्बो वाली, जिसपे अभी ऑफर चल रहा है, जो आने वाले 3 दिनों में जो ऑफर चल रहा है वो टेस्ट सीरीज यहाँ सबसे पहले आपको दिखेगी। ठीक है, जैसे ही आप देखेंगे आपकी मनपसंद टेस्ट सीरीज आपको दिखेगी, उस पर क्लिक करोगे तो वो एक पेज पे ले जाएगी जहां पे बाय नाउ का ऑप्शन है। अब करना क्या है आपको, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है, वो है 2 बार तो आपको बाय नाउ करना है। ठीक है, 2 या 3 बार बाय नाउ करना है और 1 बार प्रोसीड टू पे करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, 3 बार बाय नाउ करना है और 1 बार प्रोसीड टू पे करना है। ठीक है, 3 बार बाय नाउ किया, 1 बार प्रोसीड टू पे किया। ठीक है, अब ये प्रोसीड टू पे लास्ट वाला ऑप्शन है, प्रोसीड टू पे। ठीक है, आपको दिख रहा होगा इमेज में। ठीक है, प्रोसीड टू पे करने के बाद जो मेन हैजल जो लास्ट टाइम आई थी वो ओपन होने वाली, वो क्या है, जैसे ही अपन प्रोसीड टू पे करेंगे उसके बाद हम चले जाएंगे पेमेंट पेज पे। ठीक है, पेमेंट पेज आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, पेमेंट पेज में 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, पहला है कार्ड, दूसरा है नेट बैंकिंग, तीसरा है आपका वॉलेट और चौथा है आपका UPI। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कार्ड से आपको कैसे पेमेंट करना है, क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, आप दोनों कार्डों से आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4 ऑप्शन, एक आपका कार्ड नंबर होगा, एक्सपायरी डेट, नाम और CVV, ये 4 डाल के आप अपने कार्ड से इजीली पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं दूसरे पेमेंट ऑप्शन पे, वो है नेट बैंकिंग। यहाँ पे आपको जितने भी नेशनलाइज बैंक है, SBI हो गया, HDFC हो गया, ICICI, कोटक महिंद्रा, एक्सिस, सारे नेशनलाइज बैंकिंग बैंक्स की नेट बैंकिंग यहाँ पे अवेलेबल है। जो भी आप यूज करते हो उस बैंक की नेट बैंकिंग से आप अपना पेमेंट कर सकते हो। थर्ड है आपका वॉलेट। वॉलेट में पेटीएम है, पेजैप है, ओला मनी है, फ्री चार्ज है, वोडाफोन, जो भी आप वॉलेट यूज करते हो, जो भी आप यहाँ पे वॉलेट यूज कर रहे हो, ये सारी लिस्ट है यहाँ पे, जो भी आप वॉलेट यूज कर रहे हो उस वॉलेट से आप अपना पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, वॉलेट के बाद अपन चलते हैं UPI ऐप। ठीक है, UPI पे आपका तेज है, ओला मनी है, फोन पे है, व्हाट्सएप है, पेटीएम है। ठीक है, इस तरह से आप UPI से आप अपना पेमेंट कर सकते हो। तो काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे आपके पेमेंट के लिए, जिससे आप इजीली आप अपनी टेस्ट सीरीज परचेज कर पाएं। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया आपका टेस्ट सीरीज परचेज करने तक का सफर। ठीक है, टेस्ट सीरीज परचेज करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप पेमेंट डन करते हो टेस्ट सीरीज परचेज हो जाएगी आपकी, आपके पास इंस्टेंट एक मैसेज आएगा, उसके बाद आपके अकाउंट में, आपके माई पैकेजेस में वो टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएगी। टेस्ट सीरीज आफ्टर परचेजिंग आपको क्या करना है, आफ्टर परचेजिंग आपको अपने अकाउंट में जाना है, ऐप के अकाउंट में जाके आपको माई पैकेजेस में आपको वो टेस्ट सीरीज
अवेलेबल हो जाएगी और आप वहाँ पे इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो प्रोसेस हो गई कि जब आप सारा काम सही कर रहे हो, आप 100% काम कर रहे हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है और आपने इजीली एक बार में पेमेंट किया, पेमेंट हो गया और आपको टेस्ट सीरीज मिल गई, आप यूज कर पाए। लेकिन होता क्या है कि ये सारी चीज़ें टेक्निकल हैं। ठीक है, टेक्निकल चीज़ों में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते, आप भी कुछ नहीं कर सकते। कोशिश करेंगे प्रॉब्लम कम से कम आए, लेकिन फिर भी इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस केस में आपको बाद में क्या करना है वो मैं बताता हूँ। उस केस में आपको करना है, यहाँ पे दो फ़ोन नंबर लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे दो फ़ोन नंबर है, एक पे है व्हाट्सअप, एक पे है कॉल। ठीक है, कॉल आपको करना है 7877300400 7877300400। ठीक है, और व्हाट्सएप करना है आपको 7023333675। व्हाट्सएप क्यों करना है, मान लीजिए आपने पेमेंट किया, पेमेंट हो गया, आपकी टेस्ट सीरीज ओपन नहीं हुई, तो आपको उसका स्क्रीनशॉट लेके इस व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है। ठीक है, आपका पेमेंट पैसा कट गया लेकिन आपके पास परचेज का मैसेज नहीं आया। ठीक है, इस तरह की कुछ भी जो भी समस्याएं होंगी उनके व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे भेजना है इस व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, अगर आपको कॉल करना है तो इस नंबर पे करना। आई थिंक सारी चीज़ें आपकी शॉर्ट आउट हो गई होंगी, अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो देख लेंगे अपन इन आने वाले 3 दिनों में, और आशा करते हैं कि आप अच्छे से टेस्ट सीरीज परचेज कर पाओगे, अच्छे से टेस्ट सीरीज यूज कर पाओगे और इस टेस्ट सीरीज धमाका का अच्छे से लाभ उठा पाओगे। आशा करते हैं कि आपके लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।